नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में बात करने वाले 3 स्टॉक के बारे में। ख़राब माहौल में आज के ख़राब सेंटीमेंट के बावजूद भी अच्छी तेज़ी स्टॉक में बनी हुई है और स्टॉक सारे सस्ते हैं। एक स्टॉक आपको 150 के नीचे का मिलेगा, तो दोनों 100 के रुपए के नीचे हैं। ST मीडिया, सांगी सीमेंट, सीमेंट स्टॉक फ्लेवर में मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। पहले भी सांगी का मैंने 2 से 3 बार वीडियो कवर किया, पिछले 1 से 1.5 महीने में अच्छी खासी तेज़ी स्टॉक दिखाता है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर कहीं कहीं जाके अटकता है। इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी जो है प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता है। इंड स्विफ्ट लैब, ये एक लैब की कंपनी है, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए ST मीडिया के बारे में अगर बात करें, मीडिया स्टॉक भी धीरे धीरे फ्लेवर में बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। ST मीडिया हो गया, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स, और ये सारे मीडिया के जो अखबार से लेके जो न्यूज़ चैनल के और ये वेबसाइट्स के जो ये मालिक कंपनीज हैं, धीरे धीरे फ्लेवर में बनते हुए देखने को मिल रही है। आज 10.5 से 11% के गेंस इस छोटे से स्टॉक ने दिखाए हैं। काफ़ी शानदार वॉल्यूम यहाँ डेवलप हुआ है। इसका डेली चार्ट हम देखेंगे, करीब करीब आपको मार्केट फ्लेवर फेवरेबल और अगर आने वाले दिनों मिलता है तो 37 से 40 तक के टारगेट यहाँ पर एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। तो देखिए मॉर्निंग में जो स्टॉक ने अच्छी खासी तेज़ी बनाई थी, करीब करीब 34 रुपये के वहाँ से कुछ काफ़ी हद तक निकलते हुए देखने को मिला है और ऊपरी स्तरों से 4% तक करेक्ट हो चुका है। अभी 6.5% के आसपास के गेन स्टॉक मेंटेन कर रहा है और मार्केट के अभी देखिए आप तो करीब आपको पिछले 1 घंटे में जो है थोड़ी थोड़ी बाइंग वापस यहाँ पर लौटती हुई देखने को मिल रही है। देखिए स्टॉक ST मीडिया के डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में स्टॉक लगातार पिछले 2 दिनों से अच्छी खासी तेज़ी आप बनते हुए देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी ग्रीन। कल भी मार्केट सेंटीमेंट ख़राब था, उसके बाद वो स्टॉक चला है। आज भी नेगेटिव मार्केट का मूड सेंटीमेंट ख़राब है, फिर भी स्टॉक आपको ग्रीन में देखने को मिल रहा है। आज स्टॉक ने जो है अपने प्रीवियस 2 हाईज के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया, 30.5 रुपये के 2 लेवल आप देख रहे हैं, जो टेल यहाँ पर टच हो रही है इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया। 30.5 के ऊपर या लगभग 31 कह लीजिए, 31 के ऊपर आज के दिन क्लोजिंग मिलनी जरूरी है, तभी स्टॉक जो है इसके ऊपर ब्रेकआउट में सस्टेन करेगा। अगर इससे 30 से नीचे गया तो फिर से इसी दायरे में स्टॉक आ जाएगा जहाँ पे पिछले लगातार करीब 1 से 1.5 महीने स्टॉक फंसा हुआ देखने को मिला था। लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक जो है 30.5-31 के ऊपर क्लोजिंग ज़रूर देने में आज की डेट में कामयाब रहेगा, तो यहाँ पर और तेज़ी आपको बनते हुए देखने को मिलेगी। मैं आपको एक बार वीकली चार्ट दिखाऊं तो वीकली चार्ट पे अगले टारगेट की एक्सपेक्ट हम करें, अगर स्टॉक आज जो है यहाँ पे एक लेवल आप देख सकते हैं, इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर आने वाले दिनों में इसमें करीब करीब आप 34.5 से 35 रुपये का और टारगेट एक्सपेक्ट कर पाएंगे। ये छोटा स्टॉक है, जब छोटा स्टॉक 2 रुपये भी चलता है तो भी वो इसके लिए 5 से 7% के बराबर होता है। तो देखिए लास्ट स्टॉक इस जो वीडियो का बात करें, इंड स्विफ्ट लैब का स्टॉक है, 125 का या करीब करीब 100 रुपये कैटेगरी वाला ये स्टॉक 125 रुपये के आसपास से रिकमेंड हुआ है। आज इंट्राडे में 3.5 से 4% के गेन स्टॉक दिखाए हैं। मॉर्निंग में यहाँ पे एक स्पाइक हुआ था, उसके बाद मार्केट करेक्शन के समय फिर से जो है दबाव देखने को मिला, लेकिन फिर से इस स्टॉक में थोड़ी सी तेज़ी जो है बनते हुए देखने को मिली थी। तो देखिए आज के चार्ट की बात करूं तो इस स्टॉक में काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है, ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, 1.5% की तेज़ी बची है। 5 दिन में 13.5% चला है, 1 महीने में 6.5% के रिटर्न है, 6 महीने में 68% चला है, 1 साल में स्टॉक शानदार 250 से ऊपर की तेज़ी बनाई है। देखिए इंड स्विफ्ट लैब की अगर डेली चार्ट की बात करें तो स्टॉक जो है काफ़ी अप डाउन के साथ ट्रेड हालांकि पॉजिटिव ही करता है, ये आप देख सकते हैं। इसका राउंड जो पैटर्न बनता है हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम के पैटर्न के साथ स्टॉक धीरे धीरे चलता है। अप्रैल के मिड से स्टॉक में जो है पैटर्न अब हायर डाउन हायर टॉप पैटर्न के बावजूद स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी जो है जून के मिड तक देखने को मिली, फिर स्टॉक में गिरावट आई। लेकिन आज स्टॉक ने जहाँ पर रेजिस्टेंस को फेस किया वो एग्जैक्टली लेवल वही है जो कि इसका जून के मिड का स्टॉक का हाई 125 से 126 की रेंज का। फिलहाल स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है 122.60 पे कर रहा है, 126 के ऊपर की क्लोजिंग या इसके ऊपर सस्टेन करने का वेट करना पड़ेगा, फिर जाके यहाँ आपको ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिलेगा। वीकली चार्ट पे रुझान काफ़ी ज़्यादा शानदार पॉजिटिव बना हुआ है, स्टॉक में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। लेकिन मंथली चार्ट में आपको एक गुड न्यूज़ बताऊँ तो देखिए स्टॉक ने अपने 2018 के एक लेवल को ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है 1-2 दिनों में, और बात करें इसके नेक्स्ट हर्डल की तो मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट हर्डल काफ़ी यहाँ से करीब 10 रुपये ऊपर है जो कि 133 रुपये के आसपास है। इसको स्टॉक जब इवेंचुअली निकाल लेगा तो स्टॉक आपको 150 से 160 की रेंज में भी जाते हुए देखने को मिलेगा। मार्केट जिस दिन फेवरेबल इसका रहेगा तो इस प्राइस से ये स्टॉक आपको 20 से 30 रुपये की चढ़ाई और चढ़ते हुए देखने को मिलेगा, जो कि इसको 2010 और अक्टूबर 2010 के हाईज की तरफ जाते हुए देखने को मिला। इसको ब्रेक करेगा तो पिछले 11 सालों का ईयर का जब ब्रेकआउट अगर स्टॉक देगा ये, फिर आपको यहाँ पे और अच्छी खासी तेज़ी रुझान लोगों का शानदार बनते हुए ज़रूर देखने को मिलेगा। बात कर ली इस वीडियो में 3 स्टॉक के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।